हेलो डियर लर्नर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टूडे द लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मल्टीपल इफेक्ट ईपरेटर व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर ईपरेशन आज के लेक्चर में हम मल्टीपल इफेक्ट ईपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके जो, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो उस यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन रहते तो मोस्ट ऑफ द लॉन्ग एंसर क्वेश्चन रहते उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैंने जितने भी वीडियो इस चैप्टर रिलेटेड बनाए हैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो लेट डिस्कस मल्टीपल इफेक्ट ई ऑपोरेटर सबसे पहले हम वर्टिकल ट्यूब ईवोरेटर के बारे में डिस्कस करते तभी आपको मल्टीपल इफेक्ट ईपोरेटर अच्छे से समझेगा ये ईपरेटर आपको सिलेबस में नहीं है तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है ये सेम एज हॉरिजेंटल ट्यूब ईपोरेटर की तरह ही वर्क करता है लेकिन इस पे एक डिफरेंस है इसके जो भी ट्यूब्स है वो वर्टिकल पोजिशन में है और उनकी हाइट बहुत कम रहती है तो इसे दूसरा भी नाम दिया गया है शॉर्ट ट्यूब ई तो हम जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पार्ट है वही डिस्कस करेंगे ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भी स्टीम इनलेट है आपको डायग्राम को भी साइड बाय साइड ऑब्जर्व करना है जो भी स्टीम इनलेट है वो जो भी स्टीम हम यूज़ करते फॉर यू ऑपोरेशन पर्पज़ उसके लिए एक इनलेट वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वेंट वेंट का मतलब क्या है जो स्टीम एज इट इज़ है लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है वेन वी कंपेयर विथ द टेम्परेचर ऑफ़ द स्टीम उसे हम कहते हैं नॉन कंडेंस स्टीम उसके एग्जिट के लिए उसके आउटलेट के लिए ये एक वेंट आउटलेट दिया गया है देन स्टीम कंडेंस्ड मतलब जो स्टीम जो है वो कंडेंस फॉर्म में हो गई मतलब उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है उसके लिए ये आउटलेट दिया गया है देन फीड इनलेट मतलब जो भी लिक्विड हमें इवापोरेट करना है वो हम फीड इनलेट के थ्रू इस इपोरेटर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कभी भी ध्यान में रखना जो भी हम लिक्विड ईपरेशन के लिए यूज़ करते हैं उसकी जो लेवल रहेगी इट आलवेज भी मोर देन द ट्यूब पोजिशंस और जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट जो मिलता है वी कैन गेट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इपोरेटर और जो भी वेपर्स फॉर्म होते हैं

ट इस सेम एज वर्टिकल यो ऑपरेटर बट इंस्टेड ऑफ वन ईपरेटर यूज़ मल्टीपल यू ऑपरेटर्स इसमें हम सिर्फ सिंगल वर्टिकल यू ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं वी यूज़ थ्री और फाइव वर्टिकली ऑपरेटर्स तो जो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम भी जो ई ऑपरेटर यूज़ करते यूज़ करते हैं इट्स लुक लाइक दिस इन अ फर्स्ट पिक्चर एंड फॉर एग्जाम्पर्पज वी यूज़ दिस डाइग्राम ओके नाउ यू डिस्कस द कंस्ट्रक्शन

तो इस कंस्ट्रक्शन को हम एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं तो डायग्राम को भी ऑब्जर्व करना है तो जो भी आउटलेट दिया गया है इन फर्स्ट वर्टिकल ई ऑपरेटर सी जो वेपर का आउटलेट है दैट वेपर आउटलेट इज कनेक्टेड टू द स्टीम इनलेट ऑफ द सेकेंड ई ऑपरेटर और जो सेकेंड ई ऑपरेटर का वेपर आउटलेट है दैट कनेक्टेड टू द स्टीम इनलेट ऑफ थर्ड ई ऑपरेटर और जो थर्ड ऑपरेटर है उसका जो भी वेपर आउटलेट है दैट कनेक्टेड टू द वैक्यूम तो जब भी हम वैक्यूम यूज़ करते हैं उसके पीछे कुछ रीजन्स रहते हैं पहला रीज़न है जब वैक्यूम हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वी रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा वहाँ पे जो भी लिक्विड उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है मतलब कम टेम्परेचर पर हम उस लिक्विड को हम बॉइल करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है हम डिस्टिलेशन में और डिटेल में सीखेंगे ओके और एक चीज़ और यहाँ पे हम स्टीम एक ही बार इंट्रोड्यूस करते हैं और जो वेपर्स फॉर्म होते हैं दी वॉज अ सोर्स फॉर द अदर यू ऑपरेटर्स तो ये जो कंसेप्ट है ये जो पॉइंट है हमें इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्टि ऑपरेटर में यूजफुल रहेगी कि हम स्टीम एक ही बार यूज करते हैं ओके नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस द वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर नाउ वी डिस्कस द वर्किंग इन दिस सेक्शन वी मैंशन टू थिंग्स द फीड मेथड एंड ऑपरेशन फीड मेथड मतलब जो लिक्विड हमें यू ऑपरेशन करना है वो आप किस तरह से उस इक्विपमेंट में फीड करते हो तो उसमें जो एक मेथड आती है पैरल फीड मेथड वही हम डिस्कस करेंगे और दूसरा जो होता है ऑपरेशन मतलब हाउ यू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर यू ऑपरेटर तो सबसे पहले पैरल फीड मतलब क्या है वो हम डिस्कस करते हैं ए हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ़ द फीड इज डायरेक्टली फीड टू ईच ऑफ द थ्री इफेक्ट्स इन पैरल विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल फ्रॉम वन इफेक्ट टू द इवापोरेशन पर्पज़ जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज करते हैं इसका मतलब क्या है जिसमें सोलूड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे उन्होंने इफेक्ट ये वर्ड यूज़ किया इसका मतलब क्या है दे आर टॉकिंग अबाउट द इवापोरेटर तो इसमें जो भी हम फीड करते हैं सीधा डायग्राम हम उसको इंडिविजुअली फीड करते हैं लिक्विड को वो ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम फर्स्ट इवापोरेटर टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड तो इस फीडिंग मेथड को हम कहते हैं पैरेलल फीड नाउ डिस्कस द ऑपरेशन इन द बिगिनिंग द इक्विपमेंट इज एट रूम टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एंड द लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस टू ऑल थ्रीटर अप टू द लेवल मतलब जो भी हम फीडिंग करते हैं तब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम उसको फीड करते हैं इन पर्टिकुलर ईपोरेटर में द वेंट वी वन वी टू वी थ्री आर केप्ड ओपन एंड ऑल अदर वॉल्स आर क्लोज तो डायग्राम को ऑब्जर्व करना है जो भी वेंट का आउटलेट है हम उसको ओपन रखते हैं और बाकी जितने भी आउटलेट और इनलेट है लाइक स्टीम इनलेट एंड कंडेंसर आउटलेट वो हम वो जो है वो वॉल हम क्लोज रखते हैं बाकी वीवन जितने भी हैं वॉल जित, जितने भी हम उसको ओपन रखते हैं ऑपरेशन हम कंटिन्यू करेंगे ऑन नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर द फीडिंग द लिक्विड अप टू द लेवल नाउ हाई वैक्यूम इज़ क्रिएटेड इन द लिक्विड चेंबर ऑफ यू ऑपरेटर्स

तो जो भी लिक्विड है वो स्टीम में जितनी भी हीट वो वह एब्जॉर्ब करेगा एंड सम स्टीम इज़ कन्वर्टेड इन टू द कंडेंस स्टीम तो हम वो C1 से कलेक्ट करेंगे तो ओवरऑल अगर देखा जाए हमें फर्स्ट जो इवापोरेटर है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना है तो फर्दर ऑपरेशन हम कंटिन्यू करेंगे ऑन नेक्स्ट स्लाइड द कंडेंस रिमूव थ्रू द C1 सी द डायग्राम जो भी कंडेंस स्टीम है हम उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम द सीवन और बाद में उस वॉल को क्लोज करेंगे ताकि फर्स्ट ईयर ऑपरेटर में टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहे ड्यू टू द हीट ट्रांसफर वेपर इज जनरेटेड फ्रॉम द लिक्विड तो साइड बाय साइड डायग्राम को भी ऑब्जर्व करना है जो भी लिक्विड है वो सीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब की वजह से वहाँ पे वेपर्स जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो भी वेपर्स वहाँ पे जनरेट हो गए दैट ऑल्सो सैमिल

द वेपर ऑफ फर्स्ट इपरेटर ट्रांसमिटिस हिट टू द लिक्विड सेकेंड ईपरेटर एंड गेट कंडेंस तो जैसे फर्स्ट इऑपरेटर में हीट कंज की जाती है बाय द फीड सेम इट्स हैपन विद द सेकेंड सेकंडपरेटर और जो भी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी कंडेंस स्टीम रहेगी दैट कलेक्टेड इन अ सी टू द कंडेंस रिमूव फ्रॉम द सी टू एंड वी क्लोज दैट सी टू वॉल जो पूरी कंडेंस टीम रिमूव हो जाएगी

इन दिस व्य ऑपरेटर सप्लाई ऑफ द फीड एंड स्टीम इस व्य में हम फीड को कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं और स्टीम को भी ताकि वो इफिशेंटली वर्क करें सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट ईपरेटर नो यू डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट ईपरेटर तो इसमें हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज और जो भी हमने वैल्यूज लिए हैं दैट्स अजम्पन वैल्यूज कंसिडर द थ्री थाउजेंड लीटर लिक्विड इज गिवन फॉर द इऑपरेशन एंड इफ वी हैव द सिंगल वर्टिकल इऑपरेटर दैट इऑपरेटर हैव द कैपेसिटी ऑफ ई वन थाउजेंड लीटर लिक्विड आफ्टर कंजम्प्शन ऑफ फिफ्टी के जी पर आवर ऑफ स्टीम एंड वेन वी यूज मल्टीपल विच हैव द कैपेसिटी ऑफ यू 3,000 liter liquid लीटर लिक्विड आफ्टर द 50 ऑफ per hour of पर आर ऑफ द स्टीम तो अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को ऑब्जर्व करोगे जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है कि क्योंकि जो भी बिजनेस रहता है जो भी इंडस्ट्री पे जो भी इकोनॉमी हम कैलकुलेट करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं और जब हम यू के बारे में बात करें तो स्टीम यह हमारा इनपुट है और आउटपुट क्या हमारा प्रोडक्ट है जो हम उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट तो अगर कंपेरिजन करोगे सिंगल वर्टिकल और मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर में तो हमारा इनपुट सेम है लेकिन हमें आउटपुट सिंगल वर्टिकल या ऑपरेटर में कम मिलता है तो यही बेसिस पे हम एक फार्मूला डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में लिखना है द इकोनॉमी ऑफ एन ईपरेटर इज डिपेंड ऑन टोटल मास ऑफ पेपर प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ स्टीम सप्लाइड तो स्टीम सप्लाइड क्या है हमारा इनपुट है और टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस मतलब अगर प्रोडक्ट को कॉन्सनट्रेट करना है तो उसको वेपोराइज करना पड़ेगा तो आप जितना स्टीम अप्लाई करते हो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट के वेपर्स भी फॉर्म होने चाहिए तभी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा तो जब हम इकोनॉमी ऑफ सिंगल एंड यूप्रोटर को कैलकुलेट करते दैट टाइम यूज़ दिस फार्मूला द एन यूनिट ऑफ मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय एन यूनिट ऑफ मास स्टीम सप्लाइड तो सिंगल वर्टिकल यूप का एग्जाम्पल लो कि हमने फिफ्टी के जी पर आवर ऑफ स्टीम अप्लाई किया तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा इट्स वन थाउजेंड लीटर को हम क्या करेंगे कन्वर्ट इन द कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट वही अगर हम मल्टीपल इफेक्टिव प्रोडक्ट को अगर इस फार्मूला में यूज करेंगे द एन यूनिट ऑफ वेपर प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय वन यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाइड मतलब जो हमने स्टीम यूज की थी फॉर सिंगल वर्टिकल ईपरेटर द सेम स्टीम द सेम इनपुट गिव द मैक्सिमम आउटपुट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर और नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इपरेटर नाउ वी डिस्कस द एडवांटेज इट इज सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल एंड फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन इट इज हाईली इकोनॉमिकल वेन कंपेयर विद द सिंगल इफेक्ट evaporator and about five evaporators can be attached so we can make it more economical so it's all about the multiple effect evaporator in upcoming lecture we are going to discuss a distillation chapter it is a very interesting concept definitely you all of you enjoy that concept so keep in touch with my channel and if you like this video share with your friend so thank you for your continuous support and subscription my channel Thank you. Thank you very much.